जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। मित्रों, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। हनुमान ज्योतिष केंद्र के माध्यम से हम आमने सामने उपस्थित हैं। हमारा इस समय जो चर्चा का विषय चल रहा है, भावों के ऊपर भावों की चर्चा कर रहे हैं। इस समय अष्टम भाव के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अष्टम भाव अरिष्ट भाव है, मृत्यु भाव है, आयु भाव। और यदि जो है हमारे जीवन में कोई अरिष्ट हो, कोई परेशानी हो, तो वो अरिष्ट नष्ट कैसे होते हैं, उनका भंग, वो अरिष्ट भंग कैसे होते हैं, आज इस भंग के ऊपर चर्चा करते हैं। तो यदि जो है आपका जन्म शुक्ल पक्ष में हो या कृष्ण पक्ष में हो, तो वहां जो है चंद्रमा प्रभावी रूप से जो है आपके अरिष्ट को जो है तो नष्ट करता है। क्यों, कहा भी गया है, शुक्ले पिपक्षे यदि रात्रि जन्मो चंद्रो पिषडाष्टकम राशि युक्ता शुभेक्षिता सन्निह कृष्ण पक्षे द्रसः सपादैरवति प्रसूतम्। तो कहा है शुक्ले पिपक्षे, यदि आपका जन्म जो है शुक्ल पक्ष में हो और रात्रि जन्म स्यात्, यदि आपका जन्म जो है रात्रि में हो जाए, तो भले ही वह चंद्र चंद्रोपी षडाष्टकम स्थिते, यदि वह षडाष्टक भाव में हो, मतलब 6 और 8 भाव में बैठा हो चंद्रमा, तब वह चंद्रमा सुविक्षिता, अगर वह सुविक्षित हो, सुदृष्टित दृष्ट हो, सुग्रह के द्वारा देखा जाता हो, और कृष्णे भी अगर वह कृष्ण पक्ष का हो, और फिर जो है वह किसी पापग्रह से ही क्यों ना देखा जाता हो, तब भी जो है वह आपके जो है 6, 8, 12 भाव में स्थित होने के बाद भी आपके जो है सारे अरिष्टों को जो है नष्ट करेगा, आपकी रक्षा करेगा, मातृवत रक्षा करेगा। और यदि ये चंद्रमा शुभ नवमांश में हो और पूर्ण चंद्र हो, शुभ दृष्ट हो, तो जीवन के संपूर्ण अरिष्टों को जो है तो ये नष्ट कर देगा। जानते हैं कैसे नष्ट करेगा? जैसे जो है भगवान गरुण, जो भगवान का वाहन है गरुण, वो गरुण जो है जिस तरह से सर्प को खा करके पचा जाता है, उसके जहर को भी, उसके जहर को नाश कर देता है, इसी तरह से जो है ये आपके जहर को जो है तो नष्ट कर देगा, आपके जीवन के अरिष्ट को जो है तो नष्ट कर देगा, जो जहर रूपी अरिष्ट है, और आपकी रक्षा करेगा। केंद्र में यदि यह गुरु हो और वह शुभांशक हो, अर्थात शुभ नवमांश में हो, गुरु शुक्र चंद्र बुध में से जो है कोई भी यदि ये केंद्रगत हो या शुभ नवमांश में हो, तो आपके अरिष्ट को जो है नष्ट करेंगे जीवन के। लग्नेश यदि जो है शुक्रह हो और वह केंद्र में जो है शुभ दृष्ट बैठा हो, तो आपके जीवन के अरिष्टों को जो है तो नष्ट करेगा, आपकी रक्षा करेगा। लग्नेश शुभ हो और पापी हो, चाहे शुभ हो चाहे पापी हो, कैसा भी हो, और यदि जो है वह अपने नवमांश में बैठ जाए, शुभ नवमांश में बैठे, मित्र नवमांश में बैठे, और शुभ ग्रह के द्वारा जो है तो देखा जाता हो, तो वह अरिष्ट हंता होगा, वह जो है सारे जीवन के अरिष्टों को जो है तो नष्ट करेगा। इसी तरह से मित्रों, यदि जो है लग्न में आपके जो है लग्न से राहु 3, 6, 11 इन भावों में हो और किसी पाप ग्रह के साथ नहीं बैठा हो, तथा जो है इसे शुभ ग्रह देख रहे हो, वह शुभ ग्रह भी जो है पाप ग्रहों के साथ में युति न करे, तो ऐसा शुभेक्षित राहु आपके जीवन के समस्त अरिष्टों को जो है तो नष्ट कर देता है। इसी तरह से जो है मित्रों, जिस तरह से मित्रों ये राहु आपके जीवन की अरिष्ट को नष्ट करता है, जानते हैं कैसे करता है? जैसे जो है हवा का वेग, वायु का वेग रुई के पहाड़ को जो है उड़ा करके ले जाता है, छिन्न भिन्न कर देता है, अस्त व्यस्त कर देता है, इसी तरह से ये राहु 3, 6, 11 का यदि जो है सुवीक्षित हो, तो जो है आपके अरिष्ट को जो है तो नष्ट कर देगा। तथा यदि यह राहु
मेष का, वृष का, कर्क का, इस राशि का होकर के आपके लग्न में बैठ जाए, तब भी जो है आपके जीवन की समस्त पीड़ा से जो है आपकी रक्षा करेगा। जानते हैं कैसे करेगा? जैसे जो है किसी अपराधी के प्रति जो है यदि जो है प्रशासन प्रसन्न हो जाए, राजा प्रसन्न हो जाए तो उसे बचा लेता है, इसी तरह से राहु आपके जीवन की समस्त पीड़ाओं से जो है आपको बचा लेगा। क्षीण चंद्र यदि शुभ राशि का शुभ वर्ग में हो तो आपके जीवन के अरिष्ट को जो है हरण करेगा। चंद्र से यदि जो है 7, 8, 6 स्थान में शुभ ग्रह हो तो आपके जीवन में जो है कोई कष्ट नहीं आएगा, कष्ट फल जो है नष्ट हो जाएगा, कष्ट फल को जो है यह दूर करेगा। चंद्रमा पाप राशि में या राशि स्वामी से दृष्ट हो, पाप राशि में भले हो चंद्रमा, लेकिन जिस राशि में बैठा है उस राशि के स्वामी से दृष्ट हो, वह उस राशि का स्वामी शुभ नवमांस में हो, तो यह जो है चंद्रमा आपकी जो है रक्षा करेगा। जानते हैं कैसे करेगा? जैसे कोई कृपण व्यक्ति, कोई कंजूस व्यक्ति अपने धन की रक्षा करता है, इसी तरह से यह चंद्रमा भी जो है आपकी रक्षा करेगा। अगर चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उस लग्न से उस राशि में जो है किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, कोई शुभ ग्रह जो है उसे देख रहा हो, और या हम ये कहें कि चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उस राशि के अधिपति को भी कोई शुभ ग्रह देख रहा हो और वह चंद्रमा शुक्र से दृष्ट हो और वह शुक्र उच्च का हो, तो जो है जीवन के अरिष्टों को जो है तो नष्ट करेगा। पूर्ण चंद्र शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, उच्च का हो, स्वगृही हो, मित्रवर्गी हो या स्ववर्गी हो या शत्रु आदि के योग से रहित हो और शुभ स्थान में हो, शुभ योग में हो, पाप योग रहित हो, पाप दृष्टि रहित हो, तो ऐसा चंद्रमा जो है जीवन के समस्त अरिष्टों को जो है तो नष्ट कर देगा। जैसे जो है सूर्य बर्फ के पहाड़ को गला देता है, इसी तरह से यह चंद्रमा भी जो है आपके जीवन के समस्त अरिष्टों को जो है तो गला देगा, नष्ट कर देगा। मित्रों, गुरु शुक्र बुध में से जो है यदि कोई भी ग्रह केंद्र में हो और बलवान हो, पाप ये तो नहीं हो, पाप दृष्ट नहीं हो, तो आपके जीवन के जो है अरिष्टों को जो है ये तत्काल नष्ट करने में सामर्थ्यशाली होते हैं। लग्नगत गुरु आपके जीवन के समस्त अरिष्टों को जो है तो दूर करता है। शुभाशुभ ग्रह कैसे भी हो, यदि जो है ये लग्न से छठे भाव तक या सातवें भाव तक स्थित हो तो आपके जीवन के जो है अरिष्टों को नष्ट करेंगे, या सातवें भाव से 12वें भाव तक ये ग्रह हों तब भी जो है जीवन के अरिष्टों को नष्ट करेंगे। लेकिन इतना भर नहीं, साथ में जो है यह स्थिति भी है कि लग्न से छठे भाव तक या सातवें भाव तक यदि जो है समस्त ग्रह स्थिर हो जाए, बैठ जाए, तो आपकी आयु जो है 70 वर्ष की बना देंगे। और यदि जो है ये सातवें भाव से 12वें भाव तक सभी ग्रह सिमट जाए, सभी ग्रह आ जाए, तो आपकी आयु जो है 80 वर्ष की होगी, ये निश्चित है। बुध लग्न का लग्न में बैठा हो और केंद्र में बुध के अलावा कोई और शुभ ग्रह बैठे हो, बुध लग्न में हो या बुध के अलावा या बुध सहित किसी अन्य केंद्र में जो है और भी ग्रह बैठे जाए, शुभ ग्रह बैठे और चंद्रमा जो है त्रिकोण में हो, चंद्रमा त्रिकोण में हो, तो जो है ऐसा व्यक्ति जो है जीवन के समस्त अरिष्टों से जो है तो मुक्त होकर के और जो है सुंदर आयु प्राप्त करता है।
किंतु इस योग के साथ में यदि कदाचित जो है शनि दसवें भाव में हो जाए, अर्थात बुध लग्न या केंद्र में हो, बुध लग्न या केंद्र में हो, चंद्रमा त्रिकोण में हो और शनि दसवें स्थान पर हो, तो ऐसे व्यक्ति की आयु के जो है 40 वर्ष क्लेशित रहेंगे। 40 वर्ष जो है क्लेश प्राप्त करके बाद में जो है जीवन में उन्नति प्राप्त करेगा। तो इस तरह से मित्रों आज हम जो है अरिष्ट कैसे भंग होता है इसके विषय में चर्चा की है। जब कभी अवसर मिलेगा अन्य विषयों पर फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपके जीवन में मंगल हो, आनंद हो, बाकी बिहारी की कृपा बनी रहे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे।